तो सैंडविच तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अहमदाबाद का स्पेशल पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच। तो सैंडविच की मेकिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आ गया मानेक चौक अहमदाबाद में और आज हम सैंडविच लगवाने जा रहे हैं। भैया कौन सा बना रहे हो? ये आइसक्रीम पाइनएप्पल बनेगा, ये बटर लगता है। ठीक है, तो ये देखिए ये लग गया बटर। ये बटर तीनों पे लगेगा, तीन स्लाइस पे लगेगा बटर। तो ये आपका स्पेशल सैंडविच रहता है? ये स्पेशल सैंडविच है। अच्छा, ये देखिए बटर लग गया। ये जाम लगेगा तीनों स्लाइस पे। ठीक है, तो ये पाइनएप्पल का ही रहता है जाम? ये पाइनएप्पल जाम स्वीट है। ठीक है, ये देखिए ये लग गया पाइनएप्पल। लेयरिंग देखिए कितनी बड़ी होगी इसमें। ले आ जाओ जल्दी लेके ले आना। ये देखिए ये लग गया पाइनएप्पल। हाथ से ले ले ये पाइनएप्पल जाम। ये इस पे ये स्लाइस आएगी पाइनएप्पल। तो ये आपकी डेल मोंटे की रहती है? ये देखिए स्लाइस आ चुकी है। इस पे आइसक्रीम आएगा। ठीक है, ये देखिए ये आ गई आइसक्रीम, यहाँ पे आइसक्रीम डलने जा रही है। तो ये बादाम पिस्ता की रहती है? ये बादाम पिस्ता की है। ठीक है, ये देखिए बादाम पिस्ता की आइसक्रीम आ चुकी है। तो ऐसा आपने अगर कहीं सैंडविच खाया तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए ये आ गया चीज, और ये रहता है अमूल का, अमूल चीज, अमूल बटर, किसान सॉस। तो इसका प्राइस क्या रहता है भैया? इसका प्राइस है 150। 150 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज आ गया ऊपर से, और ये देखिए पूरी एकदम लेयरिंग कर दी है। अतारे ले जाओ अभी, तो ये कट कर दिए भैया ने बीच में से। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है, तो ये चार पीस में कट कर दिए। ऊपर भी चीज़, अच्छा ऊपर भी चीज़ आएगा इसकी। ये देखिए चीज़ आ गई ऊपर से भी, तो डबल लेयर रहती है पूरी चीज़ की। हाँ जी, मेरा नाम बता दीजिए। इम्तियाज शेख। तो कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए? ये मुझे 45 बरस हो गया कम से कम, मानेक चौक में 45 बरस हो। तो कैसे क्या स्टार्ट किया था आपने स्टार्टिंग में? मैं कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, कॉलेज में पढ़ने के बाद पैसे की ज़रूरत हुई थी, घर से इतना पैसा मिलता नहीं था खर्चे के लिए, करने के लिए कुछ सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जो कि कपड़े भी ख़राब ना हो, अच्छा भी लगे, इम्प्रेशन भी पड़े। और ये किस है, ये चीज़ ऐसी है सैंडविच की, इसमें सब रेडीमेड है, सिर्फ ग्रीन चटनी तुमको बनाना है। ग्रीन चटनी जो बनाया है वो उसको मिक्सर से बनाना है। दिमाग में ले लिया था कि कुछ करना है, तो बस शुरू कर दिया था। अच्छा। उसमें कोई की हेल्प मिलने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, लेकिन ग्राहक जो कस्टमर जो थे वो खुद सिखा दे गए कि नहीं ऐसा नहीं, इस तरह से करो। बोले जॉब करना मेरा नहीं, मैं छोटा धंधा कर रहा हूँ, लेकिन मैं धंधा करना। लेकिन वो क्या है कि आज इतना है कि मेरे पास 15-18 आदमी काम करते हैं। तो फाइनली मेरा पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच यहाँ पे लग चुका है। तो ये देखिए, तो देख सकते हो एक लेयर में पाइनएप्पल लगाया है, और पाइनएप्पल का पल्प लगाया, बटर लगाया है, और ये देखिए एक लेयर चीज़ यहाँ पे है, और एक चीज़ की लेयर यहाँ पे, और बीच में डाली है आइसक्रीम। तो जो इन्होंने आइसक्रीम यूज़ की है बादाम पिस्ता यूज़ किए। तो चलिए इसको जल्दी टेस्ट कर लेते हैं। तो सैंडविच तो मैंने बहुत खाया है, बट इतना अच्छा सैंडविच मैंने आज तक नहीं खाया। तो जो इन्होंने पाइनएप्पल का पीस डाला है, आइसक्रीम डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे दिया इसको। साथ में जो इन्होंने बटर और चीज़ लगाया है, अलग ही लेवल पर जा रही है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस है 150 रुपीज़। तो टाइमिंग बता दीजिए यहाँ की क्या रहती है? 8 बजे से रात के 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक रात को 1:30 बजे तक। और एड्रेस बता दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आना हूँ। ये हमारे पास मंदिर की समाधि है यहाँ पे। अच्छा, और ये इनके नाम से ही हमारे चौक नाम पड़ा है। अच्छा, तो वहीं पे यहीं पे लगाते हैं? हाँ, यहाँ पे लगता है। तो अगर आप अहमदाबाद विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके आप पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच टेस्ट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।